चलिए, हियर द अजम्पशन इज दैट आपने वो कैश मैनेजमेंट में पढ़ा है, बाउमल मॉडल। पता नहीं, हियर द अजम्पशन इज दैट the equity shareholders expect a constant growth rate on dividend the equity shareholders expect a constant growth rate on dividend. Each year until perpetuity या on perpetuity Here the assumption is that the equity shareholders expect a constant growth rate on dividend each year on perpetuity. मतलब कहने का ये बात है कि जैसे पुराना मॉडल बोलता है हर साल डी, ये पुराना वाला हर साल डी, मतलब हर साल 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल। इनका कहना है कि हर साल 10 में कैसे चलेगा भाई, इन्फ्लेशन ही आ जाता है, तो महंगाई का सामना करने के लिए और बाकी चीज का कंपेंसेशन आप कम से कम हर साल डिविडेंड बढ़ा के तो दो, और जब बढ़ाते हो तो रेट ऑफ ग्रोथ सेम रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए रेट ऑफ ग्रोथ 20% है, तो दूसरा साल 12, तीसरा साल 12 का 20% बढ़ा दो, चौथा साल फिर इसका 20% बढ़ा दो, ऐसे चलता रहना चाहिए। कब तक? परपेचुटी तक। मॉडल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला वाला हर साल 10 10 10 10 10, इनका कहना क्या है? इनका कहना क्या है, डिविडेंड का अमाउंट 10 ही ठीक है, पहला वाला आप सोच लीजिए, फिर हर साल ग्रोथ रेट जरूर दीजिए डिविडेंड पर, ठीक है, और वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला बार 20% तो अगला साल 30%, ऐसा नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। पहला वाला बोलता था कांस्टेंट डिविडेंड, ये क्या बोलता था, कांस्टेंट डिविडेंड, देखो वर्ड को देखो, कांस्टेंट डिविडेंड अमाउंट, और ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑन द डिविडेंड। तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट ऑन डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। नंबर वन, इश्यू प्रोसीड्स एज यूजुअल। नंबर टू, कैश आउटफ्लो निकालने का थोड़ा तरीका को चेंज करना होगा। जैसे ईयर वन, मान लो ईयर वन में जो डिविडेंड दिया उसका नाम है D1, तो ईयर टू में क्या दीजिएगा, इसका नाम रखो D2 क्योंकि अमाउंट चेंज हो जाएगा, बट इट शुड बी D1 प्लस ग्रोथ, बट उसको लिखने का तरीका देखना, into 1 प्लस ग्रोथ रेट। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने वर्किंग इसीलिए किया, 10 का आप 20% ऐड कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट है ना, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। तो 10 into 1.2 करो, वही आंसर आएगा, ग्रोथ रेट 2.2 है, समझ में आया। अब Y3 कैसे लिखोगे बोलो, D3 है, D2 इंटू, या फिर दूसरा तरीका D1 इंटू स्क्वायर कर दीजिए, या फिर D0 इंटू,
क्यूब कर देंगे, परफेक्ट। लेकिन डी जीरो यूज नहीं कर रहे, स्टार्टिंग कैलकुलेशन में डी वन यूज कर रहे हैं। सब आना चाहिए आपको। देखो एक बहुत इजी तरीका है, जैसे निकाल रहे हो कौन से ईयर का, वो पकड़ो पहले थ्री, और ऐसे देखो यहां पे क्या है, देखो देखो टू पावर में क्या है जोड़ो, यहां पे क्या है वन पावर में क्या होगा टू, अगर यहां जीरो ले रहे हो तो पावर में क्या होगा थ्री, जिससे कि थ्री आ जाए। मतलब इससे अगर मुझे बदमाशी करना हुआ, मैं बोला ईयर 16 का बताना है, तो दैट वुड बी डी 16। अब रुको, अब डी 15 से निकालना बहुत आसान है, डी 15 में 1 प्लस जी, बट मैं आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा ईयर देता हूँ, से डी 2 दिया तो कैसे होगा, पावर में 14। कैसे ध्यान रखना है ये बता रहा हूँ। मान लो डी 7 दिया तो बहुत इजी है, इसको पकड़ेंगे ना 16 करना है, तो इधर 7 है तो उधर 9 होगा, इधर 2 है तो उधर 14 होगा, समझ में आ रहा है। अगर डी 12 दिया गया तो ऐसे किसी भी ईयर से किसी भी ईयर में जाना आना चाहिए, ध्यान देगा, फ्रॉम एनी ईयर यू शुड बी केपेबल टू गो एनी ईयर। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, ये तो इन्फाइनिटी तक चलता रहेगा, ये खेल तो खत्म होने वाला नहीं है। सो इक्वेशन बनाया जाए अगर थर्ड स्टेप में, इक्वेशन कैसा बनेगा, इश्यू प्रोसीड्स इज इक्वल टू फर्स्ट वाला डी वन बाई वन प्लस जी, सेकेंड वाला डी टू बाई वन प्लस जी का स्क्वायर, थर्ड वाला डी थ्री बाई वन प्लस जी का क्यूब, ऐसा चलते चलते इन्फिनिटी तक। हाँ मैं गलती किया, वन प्लस जी नहीं, वन प्लस आर, वन प्लस आर, वन प्लस आर, वन प्लस आर, ओके। ये आर ही आपका के ई है, दिस आर इज ओनली के ई, योर आर इज ओनली के ई, रिमेम्बर। नाउ अभी अगर ये डी वन डी टू को सबको एक जैसा दिखाना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, IP is equal to D1 by 1 plus R, D2 मतलब D1 से लिखे तो कैसे लिखे, 1 plus G by 1 plus R square, D3 को D1 से लिखे तो कैसे लिखे, 1 plus G का square by 1 plus R cube, ऐसा चलता रहेगा ना। देखिए ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फिर से है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको सॉल्व नहीं करना है, अभी मैं सॉल्व करूंगा आप पेन छोड़ देंगे, आपको बस समझ लेना है कि ये सॉल्व करके क्या आता है। अल्टीमेटली आपका काम तो फॉर्मूला से ही होगा, ओके। आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इनफाइनाइट सीरीज, जैसे जब हर साल डी 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 रहता है तो आपको बहुत सारा सॉल्व करके दिखाया है, हर साल सेम अमाउंट रहने से कैसे सॉल्व होता है, बट यहाँ तो हर साल का अमाउंट में परिवर्तन आ रहा है, अब इनफाइनाइट सीरीज है तो कैसे सीरीज निकलेगा वो देखना। जैसे कि D1 by 1 plus R को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो गया, 1 by 1 plus G by 1 plus R square, sorry 1 plus R, very sorry, फिर 1 plus G का square by, ठीक है ऐसा ही चलता रहेगा, अब एक एक पावर बढ़ते रहेगा। अगर मैं 1 प्लस जी बाई 1 प्लस आर को x मान लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं, डी वन बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा चलता रहेगा। हाँ अब ये इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है आपको, जिसका फॉर्मूला आपको दिखाया हुआ पहले भी, a बाई 1 माइनस आर, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो कम्स फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट और थर्ड बाई सेकेंड एंड सो ऑन, सो इट कम्स एज एक्स, एक्स बाई वन, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और फर्स्ट टर्म इज वन ईयर, यू सी फर्स्ट टर्म इज वन। सो वॉट यू कैन राइट अबाउट दिस, डी वन बाई वन प्लस आर
इनटू ए बाय वन माइनस आर लगाओगे तो वन बाई वन माइनस एक्स, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डी वन बाई वन प्लस आर इनटू वन बाई वन माइनस वन प्लस जी बाई वन प्लस आर, सो डी वन बाई वन प्लस आर वन बाई वन प्लस आर माइनस वन माइनस जी बाई वन प्लस आर, वन वन कट गया, सो डी वन बाई वन प्लस आर इंटू वन प्लस आर बाई आर माइनस जी, वन प्लस आर कट गया, सो क्या बचा डी वन बाई आर माइनस जी। रुक जाना, बेसिकली वो इक्वेशन को कंटिन्यू करे तो इधर था आई पी, सो आई पी इज इक्वल टू डी वन बाई आर माइनस जी, हमें आर चाहिए तो आर सॉल्व करने के लिए क्या लिखूं, आर माइनस जी इज इक्वल टू डी वन बाई आई पी, आर इज इक्वल टू डी वन बाई आई पी प्लस जी। बस दोस्तों यही है गॉर्डन्स मॉडल, के इज इक्वल टू डी वन बाई आई पी प्लस ग्रोथ रेट। आईपी को कई बार सवाल में पी जीरो भी बोला जाता है, बिकॉज आईपी इज ऑलवेज एट ईयर जीरो, इफ यू रिमेम्बर, पी जीरो भी बोला जाता है, और अगर उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फ्लोटेशन कॉस्ट का सिंबल ऐसे भी लगाते हैं, नहीं है तो खाली पी जीरो रह जाएगा। मतलब इसका वेरिएशन में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, के इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो। समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज देखो कि इतना दूर तक गए, वन से इन्फिनिटी तक, अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया हाथ में उसमें कौन सा दो साल आया, वन और जीरो। नोटिस कर पा रहे हैं, इतना दूर तक गए और फॉर्मूला हाथ कौन सा लगा, वन और जीरो को लेकर। एक चीज और सीखने का है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप इन्फिनिटी गिन रहे हो जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर कहां तक जा रहे हैं, तो मुझे बताना यहां से यहां का फासला कितना है, इन्फिनिटी, यहां से यहां का फासला कितना है। समझ में आ रहा है, कोई भी साल से शुरू कर लीजिए, जा रहे हो इन्फिनिटी तक अगर, तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इन्फिनिटी। अब एक चीज ये भी याद रखो, जब आप सम सॉल्व करना वन से शुरू किए थे तो फॉर्मूला में डी वन और पी जीरो को यूज हुआ था, क्योंकि यहां से शुरू हुआ यहां पे लाए, क्योंकि जहां से शुरू करते उसके एक साल पहले आते हैं। अगर हम शुरू करना थ्री से शुरू करेंगे तो फिर से इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, और वहां पे थ्री से सॉल्व करना शुरू करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपको टू पे गिराएगा, तो इक्वेशन में डी थ्री और पी टू आएगा, और उससे जो आंसर आएगा वही आंसर डी वन और पी जीरो से आएगा, दोनों एक ही दिखाएगा, चाहे डी वन पी जीरो से जाओ या डी थ्री पी टू से जाओ। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं के का जो फॉर्मूला गॉर्डन मॉडल ने दिया उसने डी वन पी जीरो नहीं दिया, उसने बोला डी एन बाई पी एन माइनस वन प्लस जी। माने क्या हुआ, अगर मान लीजिए डिविडेंड 36 है, डी 36 है, तो पी कौन सा होगा, और उससे जो आंसर आएगा वही आंसर से डी 7 अगर ले रहे हो तो पी क्या लोगे, पी 6 लोगे, और वही आंसर से डी 3 ले रहे हो तो पी 2 लोगे, और वही आंसर जब डी 1 है तो पी 0 लेके आएगा। क्यों, इसका लॉजिक वही है कि जितना दूर एक से इन्फिनिटी है उतना ही दूर दो से इन्फिनिटी है, उतना ही दूर 35 से इन्फिनिटी है, तो डिस्टेंस सेम होने के कारण आप जब जब कैलकुलेशन करते हो ना वो इनफाइनाइट सीरीज में, आप एक साल पहले पहुंचते हो, तो पी जीरो जो आता है वो डी वन के कारण आता है। अगर डी थ्री से शुरू करोगे तो पी टू आएगा, डी टेन से शुरू करोगे तो पी नाइन आएगा, और इस तरह से गॉर्डन्स मॉडल का एवरी रदर अलग अलग फ्लेवर आपको देखने को मिलता है।